तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड का थीम चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपनी गैलरी से किसी भी इमेज को कीबोर्ड के थीम में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है लैंग्वेज एंड इनपुट का, तो आपको सिंपली इस पे टैप कर देना है और उसके बाद आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज कीबोर्ड्स का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड के नीचे जो आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कीबोर्ड की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जो कि आपके स्मार्टफोन का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है। तो यहाँ से अपने कीबोर्ड के थीम को चेंज करने के लिए आपको थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कीबोर्ड की तरफ से यानी कि गूगल की तरफ से बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से किसी भी थीम को अपने कीबोर्ड में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उस थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और वो जो थीम है आपके कीबोर्ड में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी गैलरी से किसी फ़ोटो को एज अ थीम यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो आपको माई थीम्स के नीचे एक प्लस का आइकन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने आपकी गैलरी की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। तो अभी आप जिस भी फ़ोटो को अपने कीबोर्ड के थीम में यूज़ करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको उस फ़ोटो को क्रॉप करना है। आपको फ़ोटो का जो भी पार्ट अपने थीम में यूज़ करना है, उसे इस बॉक्स में ला के सेट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और यहाँ से जो वो फ़ोटो है वो क्रॉप हो जाएगी। और उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप इस थीम की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस पे टैप करते ही आपकी फ़ोटो कीबोर्ड के थीम में अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं और एक बार कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पे देख सकते हैं, हमारी फ़ोटो कीबोर्ड के थीम पे लग चुकी है। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड का थीम चेंज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर फ्रेंड्स आपकी स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।